find your way back home. सो हे गाइस, आज हम लोग खाली डेडलिफ्ट करेंगे। सो डेडलिफ्ट पे फॉर्म कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। आज वैसे भी मेरा बैक का वर्कआउट है एंड पहले वर्कआउट किया है चैनल पे। सो वर्कआउट नहीं करेंगे आज, खाली डेडलिफ्ट करेंगे। खाली डेडलिफ्ट ही दिखाऊंगा तुम लोगों को प्रॉपर फॉर्म, ये सारी चीज़ें। लोग डरते हैं इंजरी होगी, ये सारा बहुत कुछ। सो इंजरी फ्री कैसे रहना है कैसे नहीं वो बताऊंगा आज की वीडियो में। या तो देखते हैं फॉर्म कैसे सब कुछ आज। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हैवी डेडलिफ्ट के लिए पहले खाली रॉड से वार्म अप करना है। वार्म अप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाली रॉड से वार्म अप देखो, पैरों में कितना गैप देना है इतना। हम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे क्लोज करके ये ऐसे देखो, ऐसे करो तो गैप प्रॉपर पता चलेगा कितना लेना है। एंड मैं मिक्स ग्रिप मारूंगा, मिक्स ग्रिप। रॉड कभी भी बॉडी से बाहर फेंकना मत, मतलब समझ रहे, बॉडी से टच टच करके नीचे लेके जाओ। लोअर बैक, पूरा लोअर बैक, लोअर बैक पे फोकस रखो, लोअर बैक पे आए हुए। सो गाइस, पहला सेट 60 केजी का, 20-20 के पेज, अपना 20-20 केजी के प्लेट्स है एंड 20 केजी का रॉड। पहला सेट ट्राई करते 8 से 10 रैप मारने का। धीरे छोड़ें या भाई, कभी रॉड को नीचे फेंको मत। प्रॉपर सेकेंड सेट 100 केजी विथ रॉड, 100 केजी विदाउट रॉड 80 केजी। दूसरा ही सेट में 80 डायरेक्ट 40 का जंप लिया। सो 6 रैप मारेंगे, ज़्यादा नहीं, एनर्जी बचा नहीं लास्ट तक भाई। बैक का पूरा वर्कआउट करने का मेरे को, खाली डेडलिफ्ट नहीं मारना। सो गाइस, अभी थर्ड सेट 100 केजी विदाउट रॉड, 100 केजी विथ रॉड 120 केजी। दो तीन रैप मारते हैं, ज़्यादा नहीं, एनर्जी भाई कम लग रही है आज। दो तीन रैप मारते हैं, स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि इससे ग्रिप छूटती है मेरी। ये बड़ा रॉड है थोड़ा साइज में, तो स्ट्रैप्स यूज़ करके मारते हैं। यस, कम ऑन माय बॉय। So guys, last set, कितना? 140 with rod, 120 without rod. डर लग रहा है क्योंकि खाके नहीं आया। देखते एक रैप मारने का ट्राई करूंगा पूरा एकदम भाई, इज्जत का सवाल है। ईगो लिफ्ट गलती से भी मत समझना, मैंने बहुत बार मारा है ये, ईगो लिफ्ट नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। देखते भाई एक रैप बस, इज्जत का सवाल है, एक रैप। सो गाइस, वर्कआउट के बाद एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो होता है ये सारी प्लेट्स को रिरैक करना।
बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पहले इतनी एनर्जी डाउन, उसके बाद ये सब करो, बट ये भी एक तरह का वर्कआउट ही है। सो आई होप तुम लोग को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो देखने मज़ा आया होगा तो किसी भी अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो मीट यू गाइस सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।